संघ का प्रचार कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 9 साल प्रचार कर रहा हूँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और मेरा रंग रंग में भाजपा है, मेरा जीजा चुनाव लड़ा है ना उस समय सपा से, मेरा अपना अशोक चौहान जब चुनाव लड़ा मैंने तब भी भाजपा को वोट दी, समझे, तब भी भाजपा को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं कहना चाह रहा हूँ इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे, बस और कुछ नहीं। साफ बात एकदम। आज 5 साल लो सिकल देख रहे हो तुम्हारी। ये वीडियो है नोएडा का, जहां लोगों ने दादरी से भाजपा विधायक तेजपाल नागर को रोककर घेर लिया। दरअसल 25 नवंबर यानी गुरुवार को नोएडा के जेवर में बन रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई वे यहाँ पिछले 2.5 महीने से धरने पर हैं। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को जायजा लेने आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे तो उनका घेराव करने के लिए किसान यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पहुंचे, लेकिन यहां पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद गुस्साए किसानों ने दादरी विधायक तेजपाल नागर जो कि मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे उन्हें भी रोक लिया और कहा कि अगर हमें नहीं जाने दिया गया तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, जिसके चलते नोएडा ग्रेनू एक्सप्रेसवे पर काफी लंबा जाम लग गया और पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई। तो कह रहे हैं ना 40% का, 40% का भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीयों को लेते हैं, 10 गांव के लोग हैं, 10 गांव के युवा हैं। अगर कोई भी कह दे गांव में 10 कोई भी कहते हैं, कोई भी आगे विधायकों ने हमारे लिए काम कराया, किसानों के लिए, गांवों के लिए कुछ भी, समझे ना, कितने युवा खड़े हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बात को क्यों नहीं रखते, हमारी बात को क्यों नहीं रखते हमारे जनप्रतिनिधि, हमसे वोट लिया इन्होंने, हम सीएम साहब के दौरे जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विधायक तेजपाल नागर का कहना है कि आज मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष से फोन पर मना किया था कि आज मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा घेराव किया और मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने किसानों की बात, रोजगार की बात मैंने कराई और मैंने एक नियम बनवाया है, 40% का आरक्षण करवाया था मैं नोएडा से, समझाना जी, जो अथॉरिटी है इनमें 40% का आरक्षण होगा और 40% बच्चे, लोकल बच्चे ले जाएंगे कंपनियों में जो तक नहीं लेते थे, ये नियम बनवाया। उन किसानों को काम था, किसानों की एक मांग थी, हमने ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में तो अभी नहीं हुआ, ग्रेटर नोएडा में जो लीज बैक थी, जो अटकी हुई थी बहुत दिन से बसपा से सपा सरकार से, उसको हमने चालू करवा दिया, उसकी स्वीकृति करा दी शासन से। अरे ग्रेटर नोएडा की हुई है भैया, वो पहली लीज बैक तो बैठी बाबू जी, मेरे पास कागज होंगे, तो पहली लीज बैक थी वो वापस होगी, अपनी दोबारा चालू होगी। 40% का तो कुछ नहीं है, देखो मैं संघ का प्रचार कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 9 साल प्रचार कर रहा हूँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मेरा रंग रंग में भाजपा है, मेरा जीजा चुनाव लड़ा है ना उस समय सपा से, मेरा अपना अशोक चौहान जब चुनाव लड़ा मैंने तब भी भाजपा को वोट दी, समझे, तब भी भाजपा को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं कहना चाह रहा हूँ इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे, बस। आपको बता दें कि बीते दिन किसानों ने नोएडा विधायक पंकज सिंह के आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की थी। दरअसल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो अपने घर टूट जाने के बाद ठंड में तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं। कुछ किसानों को उनके घर गिराए जाने के बाद दूसरी जगह प्लॉट तक नहीं दिए गए तो कुछ किसानों को अब तक मुआवजा भी नहीं मिला। वहीं किसानों का कहना है कि अगर इन्होंने हमारी समस्याओं को नहीं सुना तो हम अपने गांवों में इनको घुसने नहीं देंगे और खुलेआम बहिष्कार करेंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद किसानों को कुछ राहत मिलती है या नहीं। नोएडा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।